अगर मैं चोर होती जब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हो सब खैर खैरियत होंगे। तो जी, जो मेरे व्हाट्सएप पे हैं, जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा वो भी परेशान है, जिन्होंने मुझे रोते हुए वीडियो में देखा वो भी परेशान है, पूछ रहे हैं कि आते हुए अहमद भाई के घर से आज अलविदाई क्यों नहीं ली, आज असलम भाई से के घर से आपने अलविदा की वीडियो बनाई। तो बात पता क्या, वो कहते हैं कि अगर इंसान कहीं जाता है और वो मेहमान बनकर जाता है, चाहे उसको जो इंसान ना सोने की थाली में ही खाना क्यों ना दिया जाए, जहां उसकी रिस्पेक्ट ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। तो बात कुछ इस तरह थी, सबा मैडम के 3000 पे गुम हुए, और गुम कहां पे हुए, जिस कमरे में मैं सोया करती थी। अब उसमें मैं दिन में तो होती नहीं थी, आप सबने देखा ही है, कभी मैं कदम भाई के घर, कभी मैं असलम भाई के घर, कभी मैं मुखलिस भाई के घर, ऐसा होता था। मैं वहां चली जाती थी। रात जब मैं असलम भाई के घर से आई हूँ तो मुझे पता चला कि 3000 पे सबा के चोरी हुए और उसने काफी वावेला मचाया। तो मैंने उन्हें कहा कि भाभी, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया, क्योंकि उनके घर में जो मेहमान आए हुए थे उनकी बेगम ने मुझे कहा कि बिस्तर करके। तो मैंने कहा अगर चोर उठाता तो जाहिर है वो 8000 भी वो सादे उठाता, जितना उठाता। तो मैं इस चीज सोच के मैं परेशान हुई। मैंने कहा 3000 पे चोरी हुआ, सभा ने वावेला मचाया, और ऐसी क्या बात थी क्या नहीं, मैं खुद परेशान होगी। जाहिर है, कहते जिसकी जिसकी चीज जाती है उसका ईमान भी जाता है, उसकी नजर में सब चोर होते हैं। तो इतने में जो इंसाना राव साहब आ गए, तो वो अपनी बेगम के लिए लेके आए, भाभी के लिए के तिक्का बूटी लेकर आए। उन्होंने कहा आप खा लो ये। तो अहमद कहने लगे कि भाभी आप तो जहर भी खा लेंगी, कि भाई अगर खिलाए तो। उन्होंने कहा भाई जहर ही तो खा रहे। तो अहमद और राव भाई बैठे हुए थे, कहने लगे खैर अभी इतनी बात करके वो चली गई है, प्लेट में जाके रख गई कि आप खा लें। तो मैंने कहा आज ये बात हुई है। और मोहम्मद बेटा आवाज जरा कम करना इसकी, और मोहम्मद कार्टून देख रहा था इस वक्त। तो मैंने कहा भाई बात ये हुई है कि सबा ने काफी वावेला मचाया, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि उसके 3000 रुपये गुम हुए, और क्योंकि चाबी भी उसके पास, तो वो 3000 रुपये कैसे चोरी हो गए। तो अहमद कहते लो तुम भाभी को कह देती है, ऐसी तो बात नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा भाई मैं तो खुद परेशान हो गई, क्योंकि इस कमरे में मैं ही सोती हूँ रात को आकर, दिन में तो सबके पास ये कमरा होता है, सभी बैठे होते हैं इसमें, आना जाना लगा होता है। तो वो सुबह हुई जी, जब मैंने स्टेटस देखे सुबह हुई तो खुदम ने कहा कि सबा नाश्ता तो दे दो। कहते नाश्ता नहीं है भाई, रूबी को नाश्ता बना देंगे, खाने में कुछ भी नहीं पड़ा था, सादा रोटियां पड़ी हुई थी। तो खुद हम गए अपने पास, उन्होंने अंडे लिए, अंडे लेकर घर आए, और फिर मैंने इन्हें अंडे बनाकर बच्चों को भी दिया नाश्ता, और खुद को भी नाश्ता दिया। नाश्ता करके तो हम वहां से फिर हमने दूध का पूछा, कहते दूध भी नहीं है। हमने फिर आकर उधर चाय पी, क्या कहते इसे असगर भाई के, हमने आकर। तो जी उसके बाद सभा कहने लगी है कि जी मैं तो जी स्टेटस लगा देना आज के बाद कोई यूट्यूबर हमारे घर में आए। आज मैं यूट्यूबर हूँ, और जब मैंने अहमद साहब के देखे जी, अहमद दीन बलोच के, मैं वो क्या कहते हैं इसे स्टेटस देखा, तो उसने स्टेटस पे लगाया हुआ था जी, लानती होते हैं वो लोग जो दूसरों के घरों में आकर झगड़ा डलवाते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो मैंने वहीं से स्क्रीन शॉट लिया, और फिर मैंने भी स्टेटस लगा दिया कि अल्लाह ऐसे भाई किसी को न दे कि जो घर बुलाकर जलील करे। मैंने अपना भाई माना हुआ था, लेकिन वो सही कहते हैं, कोई किसी का भाई नहीं होता, दगा किसी का सगा नहीं, ये दगाबाज है और ये किसी का भी सगा नहीं है, मैं यही कहूंगी अब। तो क्योंकि अगर ये बेगम को कुछ कहता है, जाहिर है बेगम वो लोग से चली जाएगी, इसका कमाई का जरिया तो खत्म हो जाएगा। हमारे में ऐसी बात नहीं है, मैं आज चैनल बंद कर दूं, मेरे मियाँ कमाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा तैसा भी हम खा रहे पी रहे। तो अहमद एक बात कहूं, जितना तुमने आज मुझे तो लाया है ना वहां पर, जितना तुमने मुझे आज जलील किया है, मैं तो बैग उठाकर वहां से निकल आई थी, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने 4 दिन से हमें धोखा हुआ था, मैं तो 3 दिन रुकती नहीं हूँ, 3 दिन से 4 दिन से तुमने धोखा हुआ था, मेरी बच्ची की पढ़ाई थी, उदम की जॉब थी, मैं बार बार कही थी भाई हमें जाने दे, नहीं आज नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग थी दोनों मियां बीवी की, इनको जलील करके यहां से निकालना है, ऐसे नहीं निकालना इनको। मैंने वहां से बैग उठाया, बैग उठाकर हम वहां से चल पड़े, अहमद वहां पे नहीं था, सबा ने एक बार भी नहीं रोका कि भाजी रुको,
कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि ये ताल्लुक खत्म करना है तो अभी सीधे कह दो कि सीधा क्या, तो भाई हमें ताल्लुक खत्म कर दो, क्यों सोशल मीडिया पे जलील करना और क्यों अपने घर बुला कर अगले को जलील करना। और आज इस बंदे ने वीडियो में कहा कि किसी को अपने घर ना बुलाओ, ठीक है पहली बात तो मुझे ये बताओ कि मैं इस 1.5 साल में 2 साल में कितना तुम्हारे घर गई हूँ, मुझे वो दिन तो बताओ। एक बात तुम्हारी पार्टी में गई थी जब तुमने एनिवर्सरी की थी, उसके बाद तुमने मकान का इफ्तिताह किया, मैं जब गई उसके बाद मैं अब गई हूँ, ठीक है। और इस 1.5 साल में तुम कितनी बार आपके बुलाने पे गई हैं, बुलाने पे, ठीक है तो। और इस 1.5 साल में तुम मेरे पास कितना आए हो, अगर मेरे पास 3-4 हजार रुपये मुझे दे जाते थे 4-5 दिन रह कर, मेरे उससे डबल खर्चा भी करवा जाते थे। अगर आज से 2 साल पहले देखा जाए तो 1 लाख के कर्जे नीचे में दे के तुम लोग गए थे, जो हमने बाद में हमने कर्जे उतारे हैं वो किसी ने नहीं दिए, वो हमने उतारे हैं। जो भी कोई मेहमान आता था इतना कहा जाता था बाजी तू भी फला बंदे आ रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं हमारे, जो जरा खर्चा दिया है सुबह इतना पकना चाहिए, मैं पकाती थी ना, मुझे कुछ ला के दिया जाता था कि आप ये पका दो, नहीं फिर मैं गोदम को भेजती थी गोदम जाए ये पैसे ले ले हमें ये चीज ला दे इनके मेहमान आ रहे, क्योंकि जाहिर है उस्मा की फैमिली भी मेरे साथ थी, इनकी फैमिली भी थी, जो आते थे वो भी थे हम भी थे, 200 बंदे हो जाते थे। जाहिर है 3-4 किलो से कम चिकन भी बनता नहीं था, हमारा 30 हजार के पता नहीं 40 हजार रुपये मतलब राशन वाले का 1 महीने का बन गया था, हमें आज भी याद है। कोल्ड ड्रिंक के कम अज कम कोई 8 से 10 हजार रुपये कोल्ड ड्रिंक का बन गया था, जो 10 दिन के अंदर अंदर कोल्ड ड्रिंक आई है, सुबह दोपहर शाम नाश्ते में भी सुबह कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल होती थी। लेकिन अहमद आज तुम ताल्लुक तुमने क्या खत्म किया है, तुम कहते हो कि मैं वहां आऊं तुम्हारी बीवी के नौकरानी बन के रहूं जब भी वहां पे हूं, नहीं ऐसा काम नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, ठीक है मैं खुद मरीज हूँ, इस दफा मुझसे नहीं हो सका काम, लेकिन फिर भी जितना मुझसे होता था मैं पका कर अपने मियाँ को खुद देखती थी अपने बच्चों को, तुम्हारी बीवी ने एक दिन भी पका कर मेरे बच्चों के आगे नहीं रखा। हमारी कभी दावत होती थी असलम भाई के घर, कभी करम भाई के घर, इसी तरह मतलब दावतों में वक्त गुजर गया और तुम्हारी बेगम पकाने से ही बच गई चूल्हे के पास से, अगर वो पकाती थी तो अपने लिए पकाती थी, हमारे लिए वो नहीं पकाती थी। जिस दिन मैं गई हूँ सुबह के टाइम 6 बजे मुझे उठाकर पराठे बना दो, क्यों मेरे घर में वो पराठे बनाती रही हैं, मैं फिर भी जाकर मैंने बनाए हैं। मगर एक बात कहूँ, इतना जलील किया गया 3 हजार के पीछे, मैं 15-20 हजार 15 हजार रुपये तो मैं यहाँ से लगा के गई हूँ, 3 हजार रुपये मैंने तुम्हारे चुराने थे, मुझे बेइज्जत करना था वैसे बेइज्जत कर देते, कह देते हमारा ताल्लुक खत्म है। लेकिन इतना जलालत, इतनी जलील, इतना जलील किया गया, अल्लाह का वास्ता आज के बाद इनके घर में कोई ना जाए, अगर सबको अपनी इज्जत प्यारी है ना। कहीं शापर कह रहे हैं, कहीं कुत्ता कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कुत्ता खुद होगा, खुद है कुत्ता, है ना, तो इधर उधर भोंकता फिर होता, जब मुल्तान आता मेरे घर के अलावा इसको कोई और घर मिलता नहीं है महीना महीना रहने के लिए, इसे पता ही है तो पका के भी खिलाएंगे सब कुछ करेंगे। छापा तो खुद है, कभी उड़ता हुआ वहां फिर रहा है, कभी उड़ता हुआ वहां फिर रहा है। अगर अल्लाह ने उम्रा करवा दिया ना तो उम्रा जो है ना उसका अदब भी करो, बेहतराम भी करो, कि अगर अल्लाह ने दिया वो, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है ना, मेरा अल्लाह देकर भी अजमाता है, मेरा अल्लाह लेकर भी अजमाता है, इतना जरूर कहूंगी। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जो तुमने आज मेरा दिल दुखा कर भेजा ना, मेरे दिल से दुआ नहीं कर दी, जितना मैं रो ली हूँ ना वहाँ पर भी, और जितना मैं रास्ते में रोती रही हूँ, और जिन जिन की कॉल मेरे पास आई है, जितना मैं उनको बताकर रो पड़ी हूँ ना, मैं कह रही हूँ जैसे आज रात हमारी गुजरेगी, जैसे सोशल मीडिया पर हमारी इज्जत उछाली गई ना, अगर मैं चोर होती जब आते हैं यहाँ पे ATM, अपना पर्स, अपने 3-3.5 लाख के मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं कि इन्हें अलमारी में रख दो, इन्हें छुपा कर रख दो, मैंने जब चोरी क्यों नहीं की, घर बुला कर 3 हजार रुपये मुझ पर थोप दिए, मैं लानत भेजती, मैं अपने बच्चों के सर प्यार रख के कसम खा कर कहती हूँ मैंने सभा के पैसे 3 हजार रुपये चोरी नहीं की, मैं चोर हूँ, हमने चोरी की है, अगर चोर होते तो पता नहीं कहां से कहां होते, आज हम दर बदरदा दल से होते, आज अपने मकान में होते, आज हम गरीब है, क्या कि मैं गिफ्ट लेकर नहीं जा सकी, सिर्फ एक एक मिठाई का डब्बा लेके गई हूँ, अगर गिफ्ट लेके जाती इसके घर में
तो मेरी भी रिस्पेक्ट होती है। सब बहन भाइयों ने देखा ही है, सभा जब जब यहाँ होती है उसने कभी पानी का गिलास भी नहीं पिया उठाकर, चाहे मैं बीमार हूं चाहे मैं जिम्मेदारी जैसी मर्जी हालत है। उल्टा इनके मेहमान भी मेरे घर में आकर रहते थे, दो दो दिन तीन तीन दिन वो पड़े रहते थे। मैं थक जाती थी, दांत को डॉक्टर के पास भागती थी, इंजेक्शन लगते थे मुझे, रात के 1 बजे उठकर चाय मांगी जाती थी। आज जिस घर में मैं चाय भी ना दी जाए, जिस घर में कहा जाए कि दूध नहीं है, मेरे उस बच्चे का तो दूध सबको पता है कि वो उसका डब्बा आता है दूध वाला, और मोहम्मद का मैंने वहां पर जाके कट्टे खत्म कर देते दूध वाला कि यहाँ पर लड़ाई न मचे, मैं अमनी लोग मंगवा लेते हैं नस्ले बुनियाद, सिर्फ एक हमारे 2 कप चाय के होते हैं जो इनको वो भी दुखते हैं। और खुदम तो गए 2 साल के बाद आज थे, पूरे 2 साल के बाद खुदम अब इनके दरवाजे पर गए थे। वो भी सभा मिन्नत किया करती थी कि भाई आप आते नहीं है, आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते, बुलाकर फिर ये इज्जत की गई। और तुम कह रहे हो कि यूट्यूब फैमिली हम इसलिए किसी को अपने घरों में नहीं बुलाते तो फिर बाद में ये बातें होती हैं, इस तरह इज्जत दी जाती है। तुम क्या किसी को इज्जत दोगे, तुम्हारी तो खुद की इज्जत नहीं है। बाकी मुझे किसी पे कोई गिला नहीं है। मुझे असलम भाई घर लेकर गए, घर जाकर उन्होंने मेरा मूड फ्रेश करने के लिए उन्होंने फिश मंगवाई, फिश मंगवा कर उन्होंने कहा बाजी पकाओ पकाओ खाओ सबको खिलाओ ठीक है ताकि फ्रेश हो जाओ। जब मैं रोने लगी उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, परेशान ना हो जाओ। बकायदा गाड़ी में हमें बिठा कर छोड़ कर वो गए। और कैक्शा क्या था, मैंने जो हमने रात इसके यहाँ टिकटें मंगवाई थी के खानपुर गए थे, क्या इसने कहा जी मैंने सुबह की टिकटें करवा दी, हमने कैक्शा कर पैसे भी भेज दिए थे, फालतू ही भेजे हैं, कम नहीं भेजे। और मुझे दुख हो रहा है कि शायद अगर मैं वहां ना जाती मेरे वो पैसे मेरे बच्चों के राशन के काम आते। मैंने जाकर गलती की, बहुत बड़ी गलती की। इसके अलावा खुदा माफ कुछ कहेंगे? इसके बाद तो बस एंड ही है, एंड है हमारा। बलोच है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अहमद दीन के साथ कोई ताल्लुक, अहमद सभा के साथ हमारा कोई ताल्लुक आज के बाद ना है और ना रहेगा और ना कभी जिंदगी में कभी सुनेंगे। हम मर भी जाए तो हमारे घर ना है अहमद, मेहरबानी होगी, क्योंकि मरने से बदतर आज काम किया। अगर 3,000 का इल्जाम लगाए, अगर अल्लाह ना करे मैं रस्ते में मैं मर जाती मेरा बच्चों का क्या होता, जिससे मेरा मियां लेकर मुझे यहाँ पहुंचाना। मैं जानते हो मेरा अल्लाह जानता है कि हम यहाँ पे किस तरीके से पहुंचे। मुझे बार बार ये कहते हैं आगे, मुझे पता है तुम चोर नहीं हो, मुझे पता है तुम चोर, मुझे यकीन है, मुझे पता नहीं मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मेरे इतने इतने पैसे घर में पड़े रहे, मेरी कंपनी के पैसे पड़े रहे, उस वक्त तुमने कभी उसमें से 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने दिया। तुम किसी के घर में क्या किसी के पैसे, और पैसा तो हमने बचपन से ही देखा हुआ है, एक दिन भी हमारे अंदर हंसती देखी है, हमारे अंदर पैसे की भूख नहीं है, वाली वीडियो भी आई है। क्योंकि अगर अहमद उसको कुछ कहेगा तो सब एजेंसी चली नहीं जाएगी अपने मायके, वो लॉगिंग बंद नहीं हो जाएगी, जो महीने का 16-17 लाख रुपए छाप रहे वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। महाना 16 लाख मुंह से कहना आसान है, मेरे ऊपर किस चीज का एहसान है? मेरे घर में आते थे रहते थे 3-3 दिन 4-4 दिन महीना महीना भी मेरे घर में पड़े रहे हो, वो वक्त तो याद करो। कोई तुम एक टाइम की रोटी दे के राजी नहीं था, रोटी तो मेरे अल्लाह की जात देने वाली है। जब तुम मेरे घर में 1 महीना रहे हो, सब पहले बेड से कदम रखा था नीचे, सारी ऑडियंस देखा करती थी, और वो 3-3 महीने मेरे घर में रहे, इज्जत नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली। तुम्हारे तो इतनी सी भी कमी आ जाती थी किसी चीज में, उस टाइम दस्तरखान से कहते थे ये चीज उठा लो मैं ये पसंद नहीं आई, अभी बाजार से मंगवाया जाए हमारे लिए, उस टाइम तुम नोट देते थे।